आज हम होममेड हर्बल शैम्पू बनाने जा रहे हैं जो कि हमारी बालों की सारी समस्याओं का हल करेगा। हमारे बालों में फ्रेंड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि रूसी, बालों का झड़ना, पकना, बाल सफ़ेद होना, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो जब आप ये होममेड हर्बल शैम्पू बनाएंगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने साबुत, रीठा, आंवला और शिकाकाई तीनों लिए हैं। ये तीनों हमारे बालों के लिए वरदान है फ्रेंड्स। रीठा यहाँ पर मैंने 300 ग्राम लिया है, शिकाकाई और आंवला 250 ग्राम लिए हैं। अगर आप शैम्पू में ज़्यादा झाग चाहते हैं, जैसे कि मार्केट वाले शैम्पू में रहते हैं, तो आप रीठे की मात्रा इसमें बढ़ा सकते हैं। रीठा आप 500 ग्राम कर दीजिए तो काफ़ी झाग वाला आपका शैम्पू बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको हर्बल शैम्पू बनाना बता रही हूँ जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपके बालों की सारी समस्याओं का हल कर देगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इन तीनों के बीजों को निकाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रीठा, आंवला, शिकाकाई तीनों के बीजों को मैंने निकाल दिया है। थोड़ी सी मशक्कत जरूर होगी लेकिन आपके बालों के लिए एक बेहतरीन शैम्पू बनके तैयार होगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास फिर भी साबुत ये नहीं है तो आप मार्केट से पाउडर लाके भी बना सकते हैं। इन तीनों को मैं पीस लेती हूँ मिक्सर के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों को पीस कर मैंने यहाँ पर एक पाउडर तैयार कर लिया है। अब हमारा शैम्पू और कैसे ज़्यादा हेल्दी बने तो उसके लिए यहाँ पर मैं अलसी और मेथी दाने का यूज़ करूँगी। अलसी फ्रेंड्स विटामिन ई से भरपूर होती है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आप मेथी दाना देख रहे हैं, ये भी मैंने एक टेबल स्पून लिया है, अलसी भी मैंने एक टेबल स्पून ली है। मेथी दाना हमारे बालों से डैंड्रफ को दूर करता है, ये हमारे बालों के लिए काफ़ी हेल्दी है। इन दोनों को भी पीस कर मैंने यहाँ पर पाउडर तैयार कर लिया। ये देखिए, ये जो सारी सामग्री ले रही हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। अब जिस चम्मच से हम पराठे सेकते हैं उस चम्मच से मैं पाउडर ले रही हूँ फ्रेंड्स। 2 चम्मच यहाँ पर मैं पाउडर ले रही हूँ और एक हफ्ते के लिए यहाँ पर मैं शैम्पू तैयार कर रही हूँ। अगर आप 1 महीने के लिए शैम्पू बना के स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप पाउडर की मात्रा बढ़ा दीजिए और आराम से ये शैम्पू 1 महीने तक चल जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए, मेथी दाने और अलसी का पाउडर भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। सारे पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये होममेड शैम्पू फ्रेंड्स हमारे बालों के लिए बहुत वरदान है। अगर आप मार्केट वाले शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारे बाल दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं, उनमें काफ़ी सारे केमिकल्स रहते हैं तो जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। 2 गिलास यहाँ पर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, अभी ये लिक्विड फॉर्म में है। जब मैं इसको 8 से 10 घंटे के लिए गला के रखूँगी तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। अगर आप फ्रेंड्स चाहें कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस तरह से ये इस तरह से भी तैयार करके और इसको छान कर आप इससे भी बाल वॉश कर सकते हैं, तो ये भी एक फटाफट आपका शैम्पू बनके तैयार हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को मैं फ्रेंड 10 घंटे के लिए गला के रख देती हूँ। 10 घंटे हो चुके हैं, इस मिक्सचर को मैंने 10 घंटे गलाया है। अब जो हमारे बालों के लिए एक चीज़ जो हमारे बालों के लिए काफ़ी हेल्दी है वो है एलोवेरा जेल। ये हमारे बालों को सिल्की, शाइनी, मजबूत, घना बनाती है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने होममेड एलोवेरा जेल ली है, आप पतंजलि की भी ले सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ली है और ये हमारे बालों के लिए काफ़ी हेल्दी है। अब इस सारे मिक्सचर को और एलोवेरा जेल को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। रीठा, आंवला, शिकाकाई, मेथी दाने, अलसी सब फूल चुके हैं तो ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अलसी जो मैंने इसमें यूज़ की है फ्रेंड्स, ये हमारे शैम्पू को जेली फॉर्म में भी कर देगी। जब हम मार्केट वाले शैम्पू लाते हैं तो उसमें वो जेली फॉर्म में होते हैं। अलसी डालने से आपको ये भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि जो हमारी जेल शैम्पू है जेली फॉर्म में आ जाएगा। ये शैम्पू फ्रेंड्स मैंने पहले बनाया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पहले आयरन की कढ़ाई में बनाया था। आप चाहें तो इस शैम्पू को इस तरह से आयरन की कढ़ाई में गला के रख सकते हैं। ये मैंने पहले तैयार किया था शैम्पू, इसको मैंने 10 घंटे के लिए गला के रखा था और मेथी दाने और अलसी को मैंने पीसा नहीं था। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे बालों को आयरन भी मिलेगा। आयरन की कढ़ाई में जब आप गला के शैम्पू बनाएंगे तो शैम्पू में आयरन भी आ जाता है। और इसको मैंने 15 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, फिर ये शैम्पू बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए, थोड़ा काला बनता है ये शैम्पू, मैं आपको इसको शेक करके बता रही हूँ। इसमें भी काफ़ी सारे झाग आए थे तो आप चाहें तो फ्रेंड्स आयरन की कढ़ाई में बना के इस तरह का शैम्पू भी तैयार कर सकते हैं। इससे आपके बालों को आयरन भी मिलेगा और ये शैम्पू भी काफ़ी हेल्दी होता है। लेकिन आज मैं आपको दूसरी तरह से बना के बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको दूसरे बर्तन में गलाया था और अभी शैम्पू को हम फ्रेंड्स बॉईल करेंगे और गैस के ऊपर मैंने बर्तन चढ़ा दिया है। इस सारे मिक्सचर को मैंने इस बर्तन के अंदर डाल दिया है। अब 15 से 20 मिनट तक मैं इसको बॉईल करूंगी, बीच बीच में चलाती रहूंगी।
तो हमारा एक बेहतरीन शैम्पू बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें रीठा, आंवला, शिकाकाई तीनों हैं, अलसी भी है, मेथी दाना भी है और एलोवेरा जेल भी है। रीठा जो रहता है फ्रेंड्स वो नेचुरल एक शैम्पू का भी काम करता है, नेचुरल क्लिंजर रहता है। बीच बीच में फ्रेंड्स इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए काफ़ी सारे झाग आ रहे हैं इसमें। रीठा जो होता है फ्रेंड्स, जो हमारे बालों में जो संक्रमण पैदा होते हैं और जो बैक्टीरिया आता है उसको ख़त्म करके हमारी स्कैल्प को बिल्कुल स्वस्थ बनाता है। और आंवले और शिकाकाई में विटामिन सी भरपूर होता है फ्रेंड्स, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये दोनों हमारे बालों को स्वस्थ बनाए रखते हैं, बालों को मजबूती प्रदान करते हैं, बालों में कंडीशनिंग का भी काम करते हैं, बालों को झड़ने और गंजेपन से रोकने में भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, बालों को काला, घना और लंबा बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड इसको मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ और देखिए शैम्पू काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, जेली फॉर्म में आ चुका है। ये देखिए गैस में ऑफ कर देती हूँ, मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक बॉईल करा है और आप देख रहे हैं शैम्पू काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो आपको ये भी एक संतोष रहेगा कि हमारा बिल्कुल जेली फॉर्म में आ चुका है, शैम्पू तैयार हो चुका है। अब इस मिक्सचर को मैं छान लेती हूँ फ्रेंड्स। अलसी में भी विटामिन ई भरपूर होता है फ्रेंड्स, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बालों के विकास में काफ़ी हेल्प करता है। मेथी दाने बालों से डैंड्रफ को रोकते हैं, डैंड्रफ से हमारे बालों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, अगर हम मेथी दाने का यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी हमारे बालों के लिए हेल्दी होता है। हमारे बालों के जो गंजापन होता है उसको दूर करते हैं मेथी दाने और बालों की सारी समस्याओं को हल कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सारे मिक्सचर को मैंने थोड़ा थोड़ा छान लिया है और ये जो मिक्सचर इसमें बचा था उसको मैंने हटा के और फिर से इसमें थोड़ा और मिक्सचर डाल के छान लिया है। अच्छे से आप इसको प्रेस कर दें तो शैम्पू पूरा नीचे आ जाएगा। ये शैम्पू फ्रेंड्स आप बनाकर लगाएंगे आपकी सारी बालों की समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो, तो फिर उसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए। बाजार में मिलने वाले शैम्पू बहुत महंगे होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप हर्बल शैम्पू भी लेते हैं तो पूरे 1000 रुपये का कोर्स पड़ता है और काफ़ी महंगा पड़ता है और वो शैम्पू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये शैम्पू काफ़ी सस्ता पड़ेगा और आपके बालों के लिए काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स। और ये आप अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल गारंटी रहेगी कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स सारा शैम्पू मैंने छान कर और ठंडा करके अब मैं आपको इसको बॉटल में भर के बता रही हूँ। और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स शैम्पू कितना गाढ़ा है, जेली फॉर्म में बना हुआ हमारा शैम्पू तैयार हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ही हेल्दी शैम्पू बनाए हमारे बालों के लिए। आप इसको स्टोर करके 1 महीने तक के लिए आप बना के रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स छान के मैंने आपको शैम्पू बॉटल में भर के बताया और जो पहले शैम्पू बताया था वो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाकर बताया था आपको। इसको भी मैं आपको शेक करके बताऊंगी। ये देखिए कितने झाग आएंगे मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स पूरे झाग से बॉटल भर चुकी है। तो आप चाहें तो सिर्फ आप रीठा आप 300 ग्राम ही लीजिए और ज़्यादा आप झाग चाहते हैं तो फिर आप रीठा 1/2 किलो कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बालों के लिए कितना हेल्दी शैम्पू बनके तैयार हुआ है। अगर आप इसको और ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो जब भी आप इस शैम्पू को यूज़ करें फ्रेंड्स तो जितना हम बालों में ऑयल लगाते हैं थोड़ा सा आप शैम्पू उतना ही निकाल के एक कटोरी के अंदर और उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस और अदरक का रस डालकर बालों पर अच्छे से मसाज करके 1/2 घंटा लगाकर छोड़ दें और फिर 1/2 घंटे बाद आप इसी शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें। थोड़ा सा शैम्पू लें फिर से बालों को गीला करके इस शैम्पू से बाल आपके वॉश करें तो आप फिर आप रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे फ्रेंड्स। और आप इस शैम्पू को बनाकर देखिए, यूज़ करिए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स कैसा लगा आपको शैम्पू ये। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से शैम्पू बनाइए और अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।